हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जावा में किस तरह से आप लोग दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्लिप्स स्टार्ट किया। यहाँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, पैकेज एक्सप्लोरर पे क्लिक किया मैंने। नाउ ये एक प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है YT सीरीज, इसको एक्सपेंड किया। इसमें डिफॉल्ट पैकेज मैंने बना रखा है, इस पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए एंड एक क्लास हमने क्रिएट कर ली। नाम दे दिया इसको स्वैपिंग विदाउट थर्ड। आप अपनी चॉइस का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मेथड स्टब मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये मेन मेथड हमें बना के दे देगा खुद ही। फाइन, नाउ हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, सो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे ए एंड बी। नाउ हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसकी हेल्प से वैल्यूज रीड करेंगे। सो हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, के बी इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसको मेमोरी दी हमने सिस्टम डॉट इन कंस्ट्रक्टर कॉल करके। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करना है। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेलेक्ट कर लिया हमने, ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो गया हमारे लिए। फाइन, नाउ हमें क्या करना है? रीड वैल्यू इन टू ए। सो हमने यूजर को प्रॉम्प्ट दिया सबसे पहले, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड ए इक्वल टू हमने कॉल किया के बी डॉट नेक्स्ट इंट। सो नेक्स्ट इंट मेथड से हम इंटीजर रीड करते हैं। इसी तरह से रीड वैल्यू इन टू बी। सो यहां हमने यूजर को प्रॉम्प्ट दे दिया, एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इंट। बी में भी वैल्यू रीड कर ली। नाउ हमें स्वैप करना है, या पहले हम करते हैं प्रिंट बिफोर स्वैपिंग। सो हमने यहाँ मैसेज डाल दिया सिस आउट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग ए इज ए एंड बी इज बी। ओके, नाउ स्वैप करते हैं हम वैल्यूज को। इसके लिए हमने किया ए इक्वल टू ए प्लस बी, थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना हमें। बी इक्वल टू ए माइनस बी, देन ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। नाउ स्वैपिंग के बाद हम प्रिंट करा देते हैं। सो यहां पे हमने मैसेज दे दिया वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। ओके, अब देखिए स्वैप होगा कैसे। सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू इनपुट जो दी दैट इज 10 एंड बी की वैल्यू जो यहाँ हमने इनपुट दी दैट इज 20। तो ये स्वैपिंग से पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 और 20। उसके बाद में हमने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 20 दैट इज 30। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बी इक्वल्स टू ए माइनस बी दैट इज 30 माइनस 20 यानी 10। सो बी अपडेट हो गया। नाउ ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, सो ए इज 30 फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड बी इज 10 फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। 30 माइनस 10 कितना रह गया हमारे पास 20। सो नाउ बी और ए एक्सचेंज हो गए इन तीन स्टेटमेंट के बाद। बी में आ गया 10, ए में आ गया 20, जबकि इनिशियली हमने 10 दिया था ए में और बी में दिया था 20। उसको हमने प्रिंट कराया। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। 10, 20 वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग ए इज 10, बी इज 20, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ए इज 20, बी इज 10। ओके, एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। माइनस 15, माइनस 25,
सो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग ए इज -15, बी इज -25 एंड वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ए इज -25, बी इज 15, -15. ओके, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं एंड माइनस की जगह आप डिवाइड भी यूज कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा. लाइक सेम वैल्यूज के साथ काम करते हैं. सपोज ए हमने लिया 10, बी हमने लिया 20. सो ए इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज 10 इंटू 20 यानी 200. नाउ बी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, दैट इज 200 डिवाइड बाय 10. ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20. नाउ ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, दैट इज 200 डिवाइड बाय 10 यानी 20. सॉरी, यहां पे 200 डिवाइड बाय 20 था, तो ये हो गया था हमारे पास 10 एंड यहां 200 डिवाइड बाय 10, सो ये हो गया हमारे पास 20. ओके, तो आप प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड से भी स्वैप कर सकते हैं. इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम. सो नाउ आई एंटर वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ बी 20. सो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग ए इज 10, बी इज 20 एंड वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ए इज 20, बी इज 10. सो गाइज, होप सो आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777. उस पर आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं. अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी वो मेरे से इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकता है. या फिर आप अगर चाहें तो इस वीडियो पर कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं. गाइज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अलॉट, हैव अ नाइस डे.